हेलो एवरीवन बच्चों, हमने स्टार्ट किया था रिवीजन टेस्ट पेपर, तो आगे का पार्ट देखते हैं, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ गए हैं रिवीजन टेस्ट पेपर पे और देखते हैं क्वेश्चंस। तो मटेरियल कॉस्ट हमने कर लिया था पिछली वीडियो में, और हमने एक फिफ्थ क्वेश्चन किया था सर, कॉस्ट शीट, राइट। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, दोनों काफी बड़े क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आप जल्दी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं क्या है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर हिज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ईच ईयर, ही कमेंस अ कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई को। कब बना रहा है, स्टार्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बच्चों? 1 जुलाई, राइट। 2021, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2022 है। मटेरियल इशू किया इन्होंने, मटेरियल इशू बताया 12,55,000 का, वेजेस दिया है, सैलरी 4 4 मेन है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं अभी इसका, ठीक है, और देखते हैं क्या क्या डाटा है। अ मशीन कॉस्टिंग 13 लाख हैज बीन ऑन द साइट फॉर 4.8 मंथ, डेप्रिसिएशन में काम आएगा ये टाइम पीरियड। एक मशीन मैंने यूज करी 4.8 मंथ के लिए, जिसकी वर्किंग लाइफ 7 ईयर है, अगर उसकी और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 75,000, तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे इससे, ठीक है। 13 लाख में से पहले 75,000 माइनस करेंगे, देन 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया, डिवाइड बाई 12 इंटू में 4.8, 4.8 मंथ का डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। अ सुपरवाइजर हु इज पेड 40,000 पर मंथ हैज डिवोट 1/2 ऑफ हिज टाइम, ओके, तो आधा लेंगे भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट में। ऑल अदर एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आपको दे रखे हैं 6,82,500, मटेरियल इन हैंड एट अ साइट, कॉस्ट गिवन है उसकी, ठीक है, बचा हुआ मटेरियल। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 1 करोड़ ऑन 31 मार्च 2022। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, 31 मार्च 2022, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। द आर्किटेक्ट इशू सर्टिफिकेट कवरिंग 50%, 50% का आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। द कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन पेड 37,50,000, 37,50,000 ऑन अकाउंट, ठीक है। प्रिपेयर करें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो द नॉशनल प्रॉफिट और लॉस, क्या बनाना है फिर, नॉशनल प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ठीक है। नॉशनल प्रॉफिट एंड लॉस मांगा है इन्होंने, ठीक है। एक्चुअल पीएनएल वाला पार्ट नहीं मांगा जो हम लास्ट में सॉल्व करते थे, 1/3, 2/3 ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट इनटू में कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, जो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते थे, वहां तक नहीं जाना, बट नॉशनल प्रॉफिट तक आपको कैलकुलेट करके देना है। तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल इशू 12,55,000 और वेजेस लिखेंगे 28,28,000। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, 12,55 और 28,28, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आएगा बच्चों मटेरियल, मटेरियल गिवन है 12,55,000, 12,55,000, तो मटेरियल लिख दिया मैंने। मटेरियल के बाद क्या है, अगला पार्ट है हमारे पास वेजेस। तो नेक्स्ट पार्ट है जो वेजेस, तो वेजेस की एंट्री कर देते हैं मटेरियल के बाद। वेजेस है 28,28,000, ठीक है। वेजेस कितना है, 28,28,000। अगला पार्ट देखते हैं हम क्या है और क्या क्या खर्चे देखते हैं आगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो वेजेस डाल दिए और हमने मटेरियल डाल दिया, वेजेस सैलरी फॉर फॉरमैन, सैलरी टू फॉरमैन कितना है, 4,06,500, तो सैलरी डाल दो। सैलरी है भाई फॉरमैन की, टू सैलरी टू फॉरमैन, ठीक है, फॉरमैन सैलरी गिवन है, तो फॉरमैन की सैलरी डाल देंगे, ठीक है, 4,06,500 रुपये। तो हमने सैलरी भी डाल दी, और क्या था देखते हैं भाई। सैलरी के बाद एक मशीन है 13 लाख रुपए की, तो मशीन की वैल्यू भी डाल देते हैं, मशीन कितने की है, 13 लाख रुपए की, तो मशीन, मशीन कितने की लेकर आए हैं हम, 13 लाख रुपए की, 13 लाख रुपए इधर डाल दो, और जो मशीन बच गई वो क्रेडिट साइड डाल दो। बाई मशीन, कितनी मशीन बच जाएगी वैल्यू, तो मशीन 13 लाख रुपए की है, ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 75,000 डिवाइड बाई 7 करो पहले इसको, तो
ठीक है, तो पहले इसको मैं 7 से डिवाइड, 13 लाख माइनस 75,000, 13 लाख माइनस 75, 12 25 डिवाइड बाई 7, 1,75,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ रहा है पर एनम, 1,75,000। ठीक है, इसको 12 से डिवाइड कर लो तो कितना आ गया, ठीक है, 1,75,000 से डिवाइड करके 175 डिवाइडेड बाई 12, और इंटू कितना करना था, 4.8 बनता ना, 4.8, ओके, और इंटू भी कर लो, डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना 4.8 मंथ का, तो इंटू कर लेते हैं 4.8 मंथ से, 1,75,000 डिवाइड बाई 12, 14,583, और इंटू करते हैं 4.8 से, तो 69,999 आ रहा है, तो 70,000 मान लेते हैं, डेप्रिसिएशन एग्जेक्ट कितना बन रहा है, 70,000। ठीक है, अब 13 लाख रुपए की मशीन 70,000 रुपये डेप्रिशिएट हो गई, तो कितना बच जाएगा भाई, 13 लाख की डेप मशीन पे अगर 70,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो ये वैल्यू बच जाएगी 12,30,000। ठीक है, तो ये तो हो गया मटेरियल का काम। अगला देखते हैं, एक सुपरवाइजर है जिसकी सैलरी देनी है, एक सुपरवाइजर है उसकी सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ है, हैज डिवोट 1/2 ऑफ इस टाइम टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कब तक कॉन्ट्रैक्ट चला, 31 मार्च तक, कब तक चला, 31 मार्च तक, स्टार्ट कब हुआ था, जुलाई में, 1 जुलाई, देखें डेट, तो जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 9 महीने, 9 महीने की सैलरी दो उसको, आधी सैलरी, तो 20,000 को 9 से इंटू कर लो, सुपरवाइजर सैलरी लिख दो, तो सुपरवाइजर की सैलरी लिख देते हैं, ठीक है, सुपरवाइजर सैलरी 1,80,000 रुपए की सुपरवाइजर सैलरी आ गई। ठीक है, अगला खर्चा देखते हैं, सुपरवाइजर के बाद है अदर ऑल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 6,82,800, 6,82,800 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ये आ गया हमारा 6,82,800 रुपये। ठीक है, अब और कोई खर्चा, तो लगभग सारे ही खर्चे आ गए। ठीक है, मटेरियल वगैरह भी था वो भी देख लेते हैं, मशीन हो गया, सुपरवाइजर हो गया, मटेरियल इन हैंड और कॉन्ट्रैक्ट था 1 करोड़ का, ये एंटी इसमें तो आती नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वाली, मटेरियल कितना बचा है, 1 करोड़ 1,77,000। ठीक है, तो बाई मटेरियल 177,000। ठीक है, मटेरियल, अब इसका टोटल करते हैं एक बार, देखते हैं कितना काम हुआ है यहाँ पर, क्योंकि नॉशनल प्रॉफिट निकालना है वो भी निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल लगाते हैं बच्चों, कितना आ गया, 12,55,000, 28,28,000, 4,64,065, 13 लाख, 180,6, 1 मिनट, 12,55, 2,82,800, 13 लाख, 1,80,000, 6,82,800, टोटल हो रहा है बच्चों 66 लाख, 52,300, 66 लाख, 52,300, तो वर्क कॉस्ट कितनी आएगी, वर्क कॉस्ट चेक करते हैं कितनी आएगी भाई, वर्क कॉस्ट 12,30,000, 177,000 भाई, टोटल आज तक हमने जितने रुपए भी खर्च करे इस कॉन्ट्रैक्ट पे वो है 52,45,300, तो ये हमारी वर्क कॉस्ट आ गई, जितना भी हमने खर्चा किया अभी तक कितने रुपए किए, 52,45,300। अब इसमें सर्टिफाइड भी होगा और अनसर्टिफाइड भी होगा, ठीक है, बाई वर्क सर्टिफाइड भी होगा और अनसर्टिफाइड भी होगा, सर्टिफाइड वाला और अनसर्टिफाइड, तो अनसर्टिफाइड वाला तो बच्चों कॉस्ट पे आता है, बट सर्टिफाइड में तो प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, क्या लिखा था क्वेश्चन में, देखो, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 करोड़, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, तो 2/3 में हमने जो खर्चा करा था वो कितना करा है, वो
जो वर्क कॉस्ट अभी निकाला था हमने 52,45,000, ठीक है। और अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड कॉस्ट पे होगा, वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड कितना है ये देख लेते हैं भाई। वर्क सर्टिफाइड के लिए गिवन थी ना एक लाइन, ये रहा 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कितना है 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50%, ठीक है। एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन पेड 37,50,000 रुपये, मिल भी गए, बट कैश रिसीव अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन्होंने सिर्फ क्या मांगा हुआ है, नॉशनल प्रॉफिट। तो हमें अनसर्टिफाइड वर्क निकालना है बच्चों, अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड तो निकल आएगा। 1 करोड़ का कितना है 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा हुआ है ना, 1 करोड़ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो 50% कितना होता है देख लेते हैं, 50 लाख हो जाएगा। 50% वर्क सर्टिफाइड कितना हो जाएगा हमारा, 50 लाख रुपए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 50 लाख रुपए, तो 6,82,000, सॉरी ठीक है, 50 लाख ही आ गया, ठीक है, 50 लाख रुपीज तो ये आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा सर्टिफाइड 50, ठीक है। अब अनसर्टिफाइड की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमने सारे खर्चे डाल लिए, एक बार चेक कर लेते हैं और, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है इसमें भाई। मटेरियल हो गया 12,55, वेजेस सैलरी, ठीक है, ये खर्चे हमने डाल लिए। मशीन का डेप्रिसिएशन लगा दिया था क्योंकि अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करना है वरना सारी, ठीक है ना। और आ सुपरवाइजर 40, ये आधा ले लिया था हमने, ठीक है। ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेशन 6,82,500 रुपये, 500, ये शायद हमने गलत लिख दिया ना, 800 लिख दिया, चलो इसको भी ठीक कर लो, ये 500 नहीं था, सॉरी 800 नहीं था, 500 है, तो कितना हो जाएगा ये, ₹300 कम हो जाएगा, ठीक है ना, 61,52,000, ठीक है, तो 52,45,000। इधर भी इसको चेंज कर देते ना, वो 800 नहीं था बेसिकली, कितना था 500 था, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या अनसर्टिफाइड कैसे निकालना है, 52,45,000 रुपए हमने खर्च करे हैं, 52,45,000 कितने पोर्शन के लिए, 52,45 फोर टू बाई थर्ड के लिए, टू थर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने कितने रुपए खर्च कर दिए, 52,45,000। देन टोटल कॉस्ट विल बी, ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। अगर हमने टू थर्ड के लिए 52,45 खर्च कर दिया है तो 52,45,000 टोटल का 2/3 होगा, तो इसका 3/2 कर दो वापस, तो 52,45,000 इंटू में 3/2, ये आ गया 78,67,000, ठीक है, 78,67,500, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, ये क्या है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, राइट। इतनी बात आ गई समझ में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि कितना काम कर दिया हमने, टू थर्ड कराए, टू थर्ड पे काम कितना कराया, खर्चा 42,45,000, देन 100% कॉस्ट विल बी कितनी, 78,67,500, तो 100% की कॉस्ट कितनी आ गई, 78,67,500, तो 50% की कॉस्ट कितनी होगी, 50% कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो सर्टिफाइड है, 50% कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, यस, 50% कॉस्ट कितनी होगी, 50% कॉस्ट निकालेंगे तो 50% आ रही है भाई 39,33,750, 39,33,750, ये आ रहा है हमारा 50% कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 39 लाख का, जो सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड वाले की कॉस्ट कितनी है 39,33,750, राइट। जो सर्टिफाइड वाले पोर्शन की कॉस्ट है वो कितनी है, 39,33,000 कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड,
सर्टिफाइड वाले की कॉस्ट कितनी आई है? 39,33,750 रुपीज़। और टोटल आपने खर्चा कितना करा ये 52,45,000। तो बाकी अनसर्टिफाइड का होगा। मैंने टोटल कॉस्ट एक्सपेंस कर कितना दिया? टोटल कॉस्ट इनकर्ड कर कितनी दिया आपने? इनकर्ड ठीक है 52,45,000। उसमें से 39 लाख सर्टिफाइड वाले की, तो अनसर्टिफाइड की कितनी बैलेंस? अनसर्टिफाइड निकालने का यही मेथड होता है, टोटल कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड माइनस कर दें। तो माइनस करते हैं 52,45,000, 13 लाख। तो ये बैलेंस आ गया 13,11,250। दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 2 नॉशनल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आएगा? 2 नॉशनल प्रॉफिट 63,11,250, 63,11,250 माइनस 52,45,000, 10,66,250। ये आ गया हमारा नॉशनल प्रॉफिट। और क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों इसका, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालने का। वो मैं एक बार फटाफट से आपको रिवाइज कराता हूँ। क्या किया हमने? मटेरियल वगैरह सारे एक्सपेंस यहाँ पर डाले, ठीक है, मशीन वगैरह डाली, वर्क कॉस्ट डाली। वर्क कॉस्ट कितना निकल के आया? 50। मतलब जितना मैंने खर्चा किया, कितने पार्ट के लिए खर्चा किया हमने? 2/3 के लिए। कॉस्ट ऑफ 2/3 के लिए हमने एक्सपेंस किया है। अगर 2/3 के लिए 52,45,000 है, देन 100% विल बी 78,67,500, राइट। देन कॉस्ट ऑफ 50% पोर्शन, तो 50% देख लेंगे इसका करके। 50% में आया 39,33,750 रुपीज। ठीक है, अगर ये 50% की कॉस्ट है, बट हमने तो टोटल कितनी करी है? 52। देन डिफरेंस विल बी अनसर्टिफाइड कॉस्ट। इस तरीके से निकाला जाता है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। नोट करिए इसको, पूरा नोट करिए। ठीक है, ये पोर्शन है, ये क्वेश्चन। चलो बच्चों अगला पार्ट देखते हैं हम क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्ट और, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन करने के बाद सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इस लेक्चर में, बाकी फिर नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, रॉयल ट्रांसपोर्ट रन्स फ्लीट, एक फ्लीट है, फ्लीट ऑफ बसेस विद इन द लिमिट ऑफ जयपुर सिटी। ठीक है, विद इन द लिमिट ऑफ जयपुर। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स विच वर इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द अक्टूबर 2021। तो 21 के बाद देखते हैं क्या डाटा है आगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच बस दिया है 24 लाख रुपए। डेप्रिशिएशन निकालने के काम आएगी, तो डेप्रिशिएशन निकाल लेंगे भाई 24 लाख रुपए से। गैरेज रेंट है, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, मैनेजर सैलरी, असिस्टेंट सैलरी 2, ठीक है, दो की है, 32,000 एक पर्सन की है। सुपरवाइजर सैलरी 3 है, 24,000 पर पर्सन है सैलरी। ड्राइवर सैलरी 25 है, ओके। क्लीनर्स है, ऑफिस स्टाफ, कंज्यूमेबल, रिपेयर्स, ठीक है, ये सारे हमारे फिक्स खर्चे हैं। स्टैंडिंग चार्जेस, अदर फिक्स, ठीक है, यहाँ तक तो फिक्स हैं सारे के सारे। डीजल्स दिया है, ये वेरिएबल होता है हमारा। ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स हैं, ये भी वेरिएबल्स में ही आते हैं। ठीक है, टायर एंड ट्यूब्स हैं। फिर बाकी डेप्रिशिएशन दिया है 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। डेप्रिशिएशन इज अ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, ठीक है, ये सारे खर्चे। फिर हमारी 12 बस हैं 60 पैसेंजर्स वाली, ठीक है, कैपेसिटी है 60 पैसेंजर की। 13 बस हैं 50 पैसेंजर के साथ। 13 बस कैसी हैं? 50 पैसेंजर के साथ। तो पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा, तो पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा बच्चों। 12 बस 60 पैसेंजर, 13 बस 50 पैसेंजर वाली है, ठीक है। तो पैसेंजर किलोमीटर हम निकाल लेंगे। ईच बस में 4 राउंड ट्रिप लगाती है, 4 राउंड ट्रिप लगाती है एक दिन में। कवरिंग डिस्टेंस है 10 किलोमीटर इन ईच ट्रिप, वन वे का डिस्टेंस है। जाएगी 10 किलोमीटर, फिर बस वापस भी आएगी 10 किलोमीटर, राइट। ऐसा करेगी 4 बार।
ड्यूरिंग द ट्रिप 80% ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड, 80% सीट्स क्या रहती हैं बच्चों, ऑक्यूपाइड रहती हैं. ओके द एनुअल रिकॉर्ड्स शो दैट क्या शो करता है, 5 बस जनरली क्या करती हैं, रिक्वायर्ड टू केप्ट अवे फ्रॉम द रोड्स. 5 बस अक्सर क्या करती है, हमारी खाली खड़ी रहती है. तो कितनी बस थी हमारे पास भाई, ऊपर लिखा था ना टोटल बस कितनी थी हमारे पास, फ्लीट ऑफ कितनी बसेस हैं टोटल भाई, अच्छा ये रहा 12 बस और 13 बस, टोटल कितनी बसेस हैं हमारे पास बच्चों, 25 बसेस है ठीक है, 12 और 13. 5 बस जनरली क्या करती है, हमारी बाहर रहती है, बाकी 20 बस ऑन रोड रहती है ठीक है. तो ये सारी चीजें लिख लेते हैं, अभी करते हैं इसको पैसेंजर किलोमीटर अभी निकालते हैं, पहले ये खर्चे डाल देते हैं. खर्चे तो नॉर्मल ही है ना, डेप्रिसिएशन 10% है तो 1/1 सारा डाल देते हैं. फॉर्मेट पे चलते हैं और सारी चीजें यहां पर पुट कर देते हैं. तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा देखते हैं बच्चों. डेप्रिसिएशन 24 लाख रुपए की हमारी बस है, 24 लाख रुपए का 10% और एक महीने का डाटा है तो 24,000 आ गया, डिवाइड किया मैंने 12 से तो 20,000 आ गया ठीक है. डेप्रिसिएशन कितना आया, 20,000 रुपए. तो डेप्रिसिएशन एक बस का आ गया है 20,000 रुपए पर बस, डेप्रिसिएशन है 20,000. कैसे निकाला, पहले किया 24 लाख का 10%, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 ठीक है, 20,000 रुपए पर बस डेप्रिसिएशन आ रहा है. ऐसी हमारी कितनी बस है, 25 बसेस है तो 25 बस है तो 25 बस का डेप्रिसिएशन 5 लाख रुपए. डेप्रिसिएशन का खर्चा आ गया भाई 5 लाख. अगला देखते हैं क्या था, और क्या था हमारे पास, रेंट इंश्योरेंस रोड टैक्स, रेंट इंश्योरेंस और रोड टैक्स ठीक है. तो रेंट लिख लेते हैं भाई, रेंट है हमारा 1 लाख रुपए का. फिर था हमारा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस था हमारा 25,000 रुपए का ठीक है. और लास्ट था हमारा रोड टैक्स, रोड टैक्स गिवन है 20,000 रुपए. अगला खर्चा देखते हैं क्या है ठीक है. मैनेजर की सैलरी 60,000 है, फिर असिस्टेंट है ठीक है. पहले मैनेजर सैलरी लिखते हैं, मैनेजर सैलरी यह है 60,000 रुपए. फिर कोई असिस्टेंट है, असिस्टेंट, असिस्टेंट सैलरी ये कितना था भाई, असिस्टेंट सैलरी देखते हैं. असिस्टेंट सैलरी है 32,000 ईच, और फिर है सुपरवाइजर ठीक है. 32,000 है तो ये 2 की हो जाएगी 64,000 ठीक है. फिर अगला है हमारे पास सुपरवाइजर, सुपरवाइजर सैलरी ठीक है. ये 24,000 थी ना, 24,000 इंटू में 3 तो ये हो गया 72,000 सुपरवाइजर सैलरी, ये हो गया हमारा 72,000. नेक्स्ट खर्चा देखते हैं भाई, सुपरवाइजर के बाद क्या था, सुपरवाइजर के बाद है बच्चों ड्राइवर सैलरी. ड्राइवर सैलरी है 25 ड्राइवर है हमारे पास 20,000 वाले. फिर क्लीनर है, क्लीनर भी 20 है और ड्राइवर्स कितने हैं 25 ठीक है. तो सुपरवाइजर के बाद हम लिखते हैं ड्राइवर, ड्राइवर सैलरी 20,000 है, 25 है हमारे पास ऐसे तो 5 लाख रुपए. ड्राइवर सैलरी आ गई कितनी, 5 लाख रुपए की राइट. फिर क्लीनर है, क्लीनर तो हमारे पास 20 थे, क्लीनर कितने थे 20 थे तो 5,000 इंटू में 20 ये हो जाएगा 1 लाख. क्लीनर के अकॉर्डिंग कितना हो गया 1 लाख. क्लीनर वाली सैलरी, क्लीनर सैलरी ये आ गया हमारा 1 लाख. नेक्स्ट खर्चा देखते हैं क्लीनर के बाद कौन है, क्लीनर के बाद है ऑफिस स्टाफ सैलरी. ऑफिस स्टाफ कितने का है भाई हमारा, ऑफिस स्टाफ है 1 लाख रुपए का, कंज्यूमेबल है 1/20 के ठीक है. तो ऑफिस स्टाफ सैलरी डाल दो ठीक है, ऑफिस स्टाफ सैलरी डाल देंगे 1,20,000 रुपए. 1/20 था ना, 1 लाख था ओके, 1/20 कंज्यूमेबल था, 1 लाख रुपए. ऑफिस स्टाफ कितना है 1 लाख रुपए का. फिर डाल देते हैं कंज्यूमेबल्स 1,20,000 रुपए. तो ये दोनों खर्चे हमने डाल दिए यहां पर 1,20,000 कंज्यूमेबल के बाद. अगला आइटम देखते हैं क्या है भाई, कंज्यूमेबल्स के बाद है फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस 90,000 और फिक्स एक्सपेंस 72,000.
तो पहले रिपेयर डाल देते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये हमारा था 90,000 रुपये का, और बाकी फिक्स एक्सपेंस है, फिक्स कितने हैं हमारे 72,000 रुपये के। तो ये सारे मैंने एक्सपेंस यहाँ पर डाल दिए, फिक्स एक्सपेंस 72,000 रुपये के। तो फिक्स का एक बार टोटल लगा लेंगे, यहाँ तक कितना होता है, ये फिक्स वाले हो गए, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है। फिक्स एक्सपेंस यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एक कॉलम और बनाना चाहिए था, रुको तो एक मिनट कॉलम बनाते हैं। तो फिक्स खर्चे बच्चों हमारे हो गए सारे, फिक्स खर्चे हमने डाल दिए, आगे के खर्चे देखते हैं, फिर टोटल करते हैं एक बार, ठीक है। बाकी रनिंग एक्सपेंस डालेंगे अब हम, अब जो खर्चे डालेंगे वो क्या होंगे हमारे, रनिंग एक्सपेंस। तो रनिंग में सबसे पहले हमारे पास क्या खर्चा था, वो डीजल एक तो, ठीक है ना, एक तो था डीजल, वो किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग अभी कैलकुलेट करते हैं। ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स है, पहले ये डाल देते हैं, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स 1,45,000 रुपये, ठीक है। एक खर्चा और था कोई सा नीचे दिया हुआ था भाई, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स के बाद टायर एंड ट्यूब्स 35,000, टायर एंड ट्यूब्स कितना है 35,000। तो टायर्स की कॉस्ट भी दे रखी है हमें 35,000 रुपये, इसके भी लगते हैं। फिर देखते हैं अब डीजल, अब डीजल की क्या कहानी है, डीजल देखते हैं, ठीक है। डीजल में क्या करना है, देखो हमारे पास 13 और 12 बसेस है ना, टोटल 12 बस है, 60 पैसेंजर वाली और 13 है 50 वाली, ठीक है। तो पैसेंजर किलो, पहले किलोमीटर निकाल लेते हैं, यहाँ निकालता हूँ मैं टोटल किलोमीटर्स, ठीक है। टोटल किलोमीटर 12 बस हैं और 13 बस हैं, भाई जाएगी 10 किलोमीटर, वापस भी आएगी 10 किलोमीटर, यानी बस कितने किलोमीटर जाएगी भाई, 10 किलोमीटर जाना और आना, यानी कि हुआ 20 किलोमीटर। एक दिन में करेगी कितनी बार ऐसा, 4 बार, भाई एक दिन में कितनी बार करेगी ऐसा, 4 बार। कितनी बसेस ऐसा करेंगी, 12 बसेस, 10 किलोमीटर जाना और आना 20 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर इंटू में 4 बार तो कितना हो गया 80 किलोमीटर, 12 बसेस हैं तो ठीक है, टोटल किलोमीटर्स आ गए। अब कितने दिन होगा महीने में, कौन सा महीना है भाई, महीना भी देख लेते हैं, कौन से महीने की, अक्टूबर मंथ की है, देखो अक्टूबर मंथ की है तो दिन भी ध्यान से देखने हैं, ठीक है। अक्टूबर मंथ है तो कितने दिन लोगे, 31 डेज, तो किलोमीटर तो आ गए हमारे भाई 10 किलोमीटर जाना आना, 20 किलोमीटर, 4 बसेस को लेकर, ठीक है। चार बस कह रहा हूँ, सॉरी चार चक्कर, ठीक है, चार चक्कर, चार राउंड ट्रिप्स है और 12 बसेस लेके 960 आ गया यहाँ तक, इंटू करेंगे फिर 31 से, ठीक है। तो ये आ गया 29,760 रुपये, सॉरी किलोमीटर, जो हमारी 12 बसेस हैं इनकी टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस आ गई 29,760 किलोमीटर। ये वाली बस देखते हैं आप, जो सेकंड बस है ये भी 10 किलोमीटर चलनी चाहिए, राइट, दो चक्कर लगाएगी, सॉरी जाना और आना 4 बार, 12 की जगह बस कितनी है 13, इंटू में 31, इंटू में क्या करेंगे 31 डेज, तो आप देखते हैं कितना आता है इसका, इसका आ रहा है बच्चों 10 इंटू में 2 इंटू में 4 इंटू में 13 इंटू में 31, 32,240, 32,240 किलोमीटर, इतने किलोमीटर जाना आना होगा जो 13 बसेस हैं। तो टोटल किलोमीटर कितना हो गया बच्चों, टोटल किलोमीटर ए और बी का अगर मैं बात करूं, टोटल किलोमीटर कितना हो गया, टोटल किलोमीटर ट्रेवल बाई बोथ बसेस, बोथ टाइप ऑफ बसेस 29,760 प्लस 32,240, 62,000, 62,000 बच्चों, 62,000 से अब क्या करना है, 5 बसेस हमारी हर टाइम खाली भी खड़ी रहती हैं, तो माइनस कर दो 5 बस की ट्रैवलिंग, 5 बस की ट्रैवलिंग कितनी होगी देखते हैं, ठीक है। 5 बसेस थी ना या कुछ और था, लिखा हुआ था हमारे पास कितना था भाई, ये रहा 5 बसेस जनरली रिक्वायर्ड टू कैप्ट अवे, ठीक है, 5 बसेस साइड रहती हैं हमेशा, तो इनकी किलोमीटर्स निकाल लेते हैं भाई, 10 इंटू में 2 इंटू में 4, ऐसा करती हैं 5 बस, 5 बस के किलोमीटर कम कर दो,
पहले ही कम कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं था कौन से में से कम करना है, इसलिए हमने दोनों की निकाल ली, राइट। अब 5 बसेस कोई सी भी हो, हम टोटल माइनस कर रहे हैं, 10 किलोमीटर जाना और आना, 4 चक्कर कम हो जाएंगे, ठीक है। इंटू में कितनी बसेस के, 5 बसेस के, तो 10 × 2 × 4 इंटू में नंबर ऑफ बस 5 × 31, तो 12,400 इंटू में 31, ये रोड साइड है, तो 12,400 इसमें से हटा दो, ये तो ट्रेवल ही नहीं करेगी ना जब रिपेयर पे रहेगी, तो 12,400 किलोमीटर कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेट ट्रेवलिंग कितने किलोमीटर की हुई है, अल्टीमेट ट्रेवलिंग हुई है 62,000 माइनस 12,400, एक्चुअल में जो बस ने ट्रेवल कराया है वो करा है 49,600 किलोमीटर, 49,600 किलोमीटर, तो इतने पे ही डीजल लगेगा, 49,600 किलोमीटर पे क्या लगेगा, डीजल लगेगा। अब डीजल देखते हैं कितना लग रहा है भाई, डीजल तो लगता है, डीजल कितना लगता है बच्चों, डीजल लगता है 80 रुपये पर लीटर, और एक लीटर डीजल में कितना चलती है गाड़ी, 10 किलोमीटर, एवरेज है हमारी बस की 10 किलोमीटर पर लीटर, और डीजल क्या रेट है, 80 रुपये, ठीक है। तो भाई 39,600 किलोमीटर जाना है, तो डिवाइड बाई 10 × 80, भाई 39,600 किलो, सॉरी 39 कह रहा हूँ, 49,600 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10, तो डीजल की रिक्वायरमेंट है 4,960, इंटू में 80 कर लो, ठीक है, तो ये आ गया 3,96,800 रुपये, तो ये हो गए हमारे रनिंग वाले एक्सपेंस। तो रनिंग एक्सपेंस कितने हो गए देख लेते हैं, 3,96,800, 1,45,000 और 35,000, 5,76,800 रुपये, ये तो हो गया हमारा टोटल, ऊपर वाला भी टोटल लगाना था ना, फिर निकालते हैं पैसेंजर किलोमीटर। अभी पैसेंजर किलोमीटर बच्चों पेंडिंग है, तो सबसे पहले हमारा कितना है, 5 लाख, फिर 1,25,000, 20,000, 60,000, 64,000 और देन 72, 5, 1, देन अगेन 1, 120, 90 और लास्ट में रह गया 72, 18,23,000, ये हो गया हमारा टोटल, ठीक है, दोनों तरह का। फिर भी हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, 18,23,000 प्लस में 5,76,000, 23,99,000, ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंस। अब पैसेंजर किलोमीटर पेंडिंग है हमारा, पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना है। देखो जो पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेगा, कितने किलोमीटर था हमारे पास, वो डाल देते हैं एक बार, देखते हैं पैसेंजर किलोमीटर कैसे आएगा, पैसेंजर किलोमीटर चाहिए ना, आसान है पैसेंजर किलोमीटर भी निकालना, पैसेंजर किलोमीटर तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ बस थी, 12 बसेस हमारी, 29,760 किलोमीटर ट्रेवलिंग है इसकी, ओरिजिनल पे निकालना कहीं इस पे निकाल दो, कितनी कैपेसिटी थी इसकी, कैपेसिटी देखो बस की, और 80% भरी रहे, 60 पैसेंजर 80% के साथ, 50 पैसेंजर 80% के साथ, ओके, इंटू में 60 × 80% मंथ से तो पहले ही मल्टीप्लाई किया हुआ था हमने, तो पैसेंजर किलोमीटर आ गए, पैसेंजर से भी मल्टीप्लाई कर दो, बन गया पैसेंजर 29,760 इंटू में 60 × 80%, ठीक है, तो ये आ गया 1,42,000, नहीं सॉरी सॉरी 14,28,480 पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ बस जो हमारे पास 10 बसेस थी, इसमें किलोमीटर थे ये रहे 32,240, कैपेसिटी 50 इंटू में 80%, इसके पैसेंजर किलोमीटर कितने आएंगे, तो 32,240 इंटू में 50 इंटू में 80%, इसके आ गए भाई 12,89,600, टोटल पैसेंजर किलोमीटर क्या बना, तो इसमें ऐड कर लेते हैं ऊपर वाला, 27,18,080 रुपये, 2,718,080, ठीक है, 2,718,080, यहाँ पे देखते हैं एक बार टोटल पैसेंजर किलोमीटर,
टोटल ठीक है पैसेंजर किलोमीटर, ये आ गया हमारा 27,18,000, 27,18,080, ये आ गया हमारा पैसेंजर किलोमीटर। टोटल कॉस्ट भी आ गई और टोटल पैसेंजर किलोमीटर भी आ गए। आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रॉफिट वगैरह भी कुछ निकालना है या ऐसे ही था, देखते हैं। देखो क्या था इसमें, कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, बस ठीक है। कैलकुलेट करना है पर पैसेंजर पर किलोमीटर, तो कॉस्ट निकाल देंगे पर पैसेंजर किलोमीटर, तेईस लाख निन्यानवे हजार रुपये जो हमारा खर्चा आया था टोटल। अच्छा इधर 800 भी है क्या, 18,23,000, 5,76,000, 800, 23,99,800 रुपये है ये, ठीक है। 23,99,800 रुपये डिवाइडेड बाई 27,18,080, इससे डिवाइड कर दो, पैसेंजर पर किलोमीटर आ जाएगा। डिवाइड बाई 27,18,080, तो 0.8829 आ रहा है, तो आ गया 0.8829, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा पैसेंजर कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर निकल, ठीक है। तो यहां तक प्रैक्टिस करिए, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसको नोट करिए आप। चलो जी पूरा क्वेश्चन, ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से फुल प्रेजेंटेशन के साथ नोट कर लीजिए, साफ सुथरे बिल्कुल अच्छे से वर्किंग नोट बनाएंगे, कुछ भी रफ वर्किंग नहीं करना आपको, आपको पूरा काम फेयर में करना है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, और छोटा सा पार्ट ये था लास्ट।